एमएससी फाइनल की जो हमारे न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स का पार्ट में ये सिक्स्थ लेक्चर है और आयनाइजेशन चैम्बर हमने किया था पिछले लेक्चर में, तो उसका सेकंड पार्ट अब हम जो रियल काउंटर है उसके बारे में करेंगे। इसको समझने के लिए जो करेक्टरिस्टिक कर्व है उसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं, आउटपुट पल्स हाइट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज एनोड वोल्टेज, और इसमें जो थर्ड रीजन है और वो तो प्रोपोर्शनल है, फोर्थ हमारा जीएम रीजन है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन था और सेकंड जो हमारा काउंटर है वो आयनाइजेशन चैम्बर है। तो इसका अगर हम बेसिक स्कीमेटिक ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से शो कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री बना के, सिलिंड्रिकल होता है बेसिकली तो, और बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स बीच में एनोड और आउटर जो दो हैं वो हमारे कैथोड, और नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है और ग्राउंड जनरली एनोड को कर दिया जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव, और जो पल्स है उसमें एक एमीटर इलेक्ट्रोमीटर या कोई मीटर से लगा के उसको पल्स को निकाल लेते हैं। तो बेसिक सिस्टम जो आयनाइजेशन चैम्बर का है वो जैसे शो किया इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इसमें आपके एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जैसे सेंट्रल वायर जो एनोड है जनरली टंगस्टन वायर होता है, और आउटर जो एनवलप है उसको कोट किया जाता है एक कंडक्टिंग लेयर से जो कैथोड बन जाता है, और एक्सटर्नल वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वो इस करेक्टरिस्टिक कर्व के सेकंड वाला जो रीजन है उसके अंदर ऑपरेशन हो जाए उस ट्यूब का। जो गैस है इस चैम्बर में वो या तो ड्राई एयर होती है जो नॉर्मल प्रेशर्स पे इंसर्ट की जाती है और फिल की जाती है, या कोई और सूटेबल गैस ज़्यादातर नोबल गैसेस। और जैसे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन भी किया कि जो आउटपुट है वो हमारा आयनाइजेशन करंट होगा, जिसका कारण अभी पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर हम इसका जो आयनाइजेशन करंट का कर्व है उसको ड्रॉ करें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको देखें तो I वर्सेस V का अप्लाइड वोल्टेज का कर्व है ये, और इसमें इनिशियली एक शार्प इंक्रीज होता है और उसके बाद ये सैचुरेट हो जाता है कर्व, और जिस वैल्यू पे सैचुरेट होता है उस वैल्यू की करंट की वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो इनिशियली करंट इंक्रीज हो रहा है अप्लाइड वोल्टेज के साथ और सैचुरेट हो रहा है, तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है जिसके जो IS से रिप्रेजेंट भी किया है इसके अंदर, इस वोल्टेज पे जितने भी प्राइमरी आयंस जो हुए आयनाइजेशन से पहली टक्कर वो कलेक्ट हो जाते हैं और रिकम्बाइन होने के पहले, तो मींस रिकॉम्बिनेशन की रेट नेग्लिजिबल होगी और सारे जो आयंस हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे एट दी कंसर्न इलेक्ट्रोड। ये जो वोल्टेज है जिस पे सैचुरेशन हुआ है ये डिपेंड करेगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है जैसे वो अल्फा है या बीटा है, गामा है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, तो ये क्या उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ जनरल फॉर्म में भी कहें तो नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द जो सरफेस है जहाँ पे एंटर होते हैं, विंडो जहाँ से एंटर होगी पर यूनिट टाइम जो है वो बेसिकली नंबर है, तो जितना ज़्यादा नंबर होगा तो वो सैचुरेशन उससे प्रभावित होगा। यदि हम कैपिटल N को रिलेट करें, शो करें कि कितने आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं पर सेकंड उस कोलिजन प्रोसेस में, और IS को नोट कराएं कि सैचुरेशन आयन करंट हो, तो IS जो है वो N इंटू ई से हम नोट कर सकते हैं, विच इज़ जस्ट दी आप एक्चुअली क्यू बाई टी से रिलेशन होता है, तो IS इज इक्वल टू एन ई समझ सकते। तो यदि आप IS को मेजर कर लें तो वो हमें इंसिडेंट पार्टिकल की इंटेंसिटी के बारे में
बता देता है या कितने आयन आ रहे हैं रेडिएशन के पार्टिकल्स, वो हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देगा। आईईएस को मेजर करने का तरीका, एक इलेक्ट्रोमीटर जिसका इम्पिडेंस बहुत हाई होता है, या एनी अदर करंट मीटर से भी कर सकते हैं। जब हम इसकी पल्स हाइट को ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें देखा था कि उसमें अगर इनफाइनाइट है उसका टाइम कांस्टेंट, क्योंकि एक रेजिस्टेंस से ही बस पल्स निकाल सकते हो आप, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका और इनबिल्ट जो कैपेसिटेंस है वो अगर आरसी अगर इनफाइनाइट है तो ये करो अपर कर्व आएगा, और आरसी अगर फाइनाइट है स्मॉल वैल्यू जैसे यहाँ 0.5 माइक्रोसेकंड, तो वो वैल्यू अलग आएगी। तो जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स या अगर उनका समूह ग्रुप आ रहा है, अगर उनको मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे उस पल्स को बाहर निकाला जाता है, और क्योंकि उनकी हाइट अलग अलग होती है इस केस में भी, तो और उनका क्योंकि आईएस की वैल्यू अलग अलग होगी अगर ग्रुप आ रहा है, तो उसको एम्पलीफायर से बाहर निकाला जाता है और आउटपुट पल्स जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। तो अगर आरसी बहुत इनफाइनाइट है तो अपर कर्व में देखा उसका बिहेवियर ऐसा होगा, और इसके अंदर ये जो पॉइंट है जैसे ए पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके अंदर की इनिशियली बहुत फास्ट राइज हो रहा है पल्स का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत फास्ट मूव करते हैं आपको पता है बीइंग लाइट पार्टिकल्स, एंड देयरफॉर दे आर ड्रॉन इन लेसर टाइम टू द एनोड। तो ए तक जो कर्व है दैट इज़ ड्यू टू दी, ये किसके द्वारा है, इलेक्ट्रॉन्स के की वजह से है, और जो ये बाद में बी के ए से बी की तरफ है वो एक बहुत ही स्लो मूविंग कर्व है टाइम के साथ का, और ये है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके द्वारा होगा। तो ये आपको पहले भी बताया था कि जो भी टोटल करंट है वो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ फास्ट एंड अ स्लो, राइट। तो स्लो राइज, स्लो मूविंग पॉजिटिव, और ए पॉइंट जो है वो फास्ट, और फाइनेट अगर टाइम कांस्टेंट है तो उनका एक पल्स फॉर्मेशन ऐसे गया। तो ये जो काउंटर्स हैं इसके अंदर एक जैसे अभी गैस स्केल भी बताया, लेकिन इन काउंटर्स को फिशन काउंटर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कि अगर मैं इसके अंदर इंटरनल जो कोटिंग है वो अगर फिशन होने वाले मटेरियल की लगा दें, तो वो जैसे U235 है या Tonium-239 है, तो वो भी एक आयनाइजेशन चैम्बर एक डिटेक्टर की तरह अच्छे से फिशन में काम में ले सकता है। अब इसकी मेन लिमिटेशन क्या है इस चैम्बर की, बाकी तो एडवांटेज तो है, बट ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक है कि इसमें जैसे एक डिटेक्शन होता है पार्टिकल का, उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल आएगा, और उसके अंदर क्योंकि टाइम का लैप्स होता है तो चैम्बर को वेट करना पड़ता है कुछ मिली सेकेंड्स का, और जब तक कि दूसरा पार्टिकल आए, ये किस पे डिपेंड करता है, सी ज़ीरो पे, जो उसकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर, क्योंकि ये आरसी डिसाइड करता है कि नेक्स्ट पल्स कब आएगी। अगर वो छोटा है जल्दी है तो वो डिटेक्शन कर लेगा, लेकिन अगर आरसी इज़ लार्ज देन वो जो वैल्यू है उसको चैम्बर को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डिटेक्शन के लिए, तो इसलिए ये इनसेंसिटिव उस दौरान हो जाएगा। और ये जो है अगर मुझे बहुत फास्ट काउंटिंग रेट करनी है, पार्टिकल्स को जल्दी जल्दी काउंट करना है, तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू होता है। तो ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम उसमें अब प्रोपोर्शनल काउंटर जो हमारे सेकेंड तीन में से है वो पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू।